हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइज, हम आ चुके हैं दिल्ली कुतुब मीनार घूमने, और मेरे साथ साथ आप भी यहाँ इस वीडियो में कुतुब मीनार घूमेंगे। सो फाइनली गाइज, ये है हमारी टिकट घर, जो हाँ यहाँ पे टिकट वगैरह मिलती है कुतुब मीनार की, जो कि इंडियंस के लिए है 35 रुपीज़, जो कि हम अगर कार्ड वगैरह से पेमेंट करेंगे तो 35 लगेगा, बाकी हम कैश पेमेंट करते हैं तो 40 रुपीज़ लगता है। उसके बाद वहाँ पे क्लॉक रूम था जहाँ पे हम अपने बैग डिपॉजिट कराते हैं, बिकॉज बैग ले जाना अलाउ नहीं है, छोटे बैग से आप ले जा सकते हैं जो कि 2 रुपये में डिपॉजिट करते हैं। सो फाइनली गाइज, हम आ चुके हैं अपने कुतुब मीनार के अंदर, हमने एंट्री ले ली है। आपको टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप एंट्री ले सकते हो। सो फाइनली गाइज, हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि रैंडम प्लान्स ही सक्सेस होते हैं, और वही मैं डिस्कस कर रही थी अपने फ्रेंड से कि फाइनली हम आ चुके हैं। प्लान सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि इतने दिनों से मैंने खुद से मन ही मन में प्लान बना रखा था कहीं ना कहीं घूमने जाना है, और आज हम आ चुके हैं। और ये मैडम फोटो खींचने में बिजी रहती हैं हमेशा, कोई ना कोई तो बिजी होगा जब हम वीडियो ब्लॉग बनाने में बिजी रहते हैं, तो ये भी बिजी रहती है। सस्ते ब्लॉगर हैं हम, अभी तो सस्ते ही हैं, अभी थोड़े सस्ते हैं यार, थोड़ा जोश लाना पड़ेगा ब्लॉग में वीडियोस में, ठीक है। सो गाइज, ये आप देख सकते हो पूरा आर्किटेक्चर के थ्रू डिज़ाइन किया गया कुतुब मीनार का पूरा नक्शा है, इस तरह से होने वाला है। और यहाँ पे शिलालेख जैसे कहते हैं, यहाँ पे लिखवाया जाता है पूरा, और ये पूरा मैप वगैरह बना रखा है इस तरह से। ये आपको एंट्री के टाइम ही मिल जाएगा, जब आप एंट्री लोगे कुतुब मीनार के अंदर तभी आपको ये दिख जाएगा, और सामने से ही हमारा बड़ा सा कुतुब मीनार दिख जाएगा। वैसे क्या आपको पता है कुतुब मीनार किसने बनवाया था, और जिसने बनवाया था क्या मतलब क्या उसी ने ही पूरा करवाया था? क्योंकि कुतुब मीनार को लेके दो चीज़ें हैं, जिसने बनवाया था वो बनवाने से पहले ही मर चुका था, और जो कंप्लीट करवाया था वो किसी और के शासनकाल में कंप्लीट हुआ था। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं ही बता दूंगी आपको एंड में इस वीडियो के। और सो गाइज, यहाँ मेरी फ्रेंड कह रही थी यार ये कुतुब मीनार जितना बड़ा हमने सोचा था उतना बड़ा तो है भी नहीं, मतलब मैंने कहा तुम्हें तो आते ही कुतुब मीनार की बेइज्जती कर दी, हमने सोचा था जितना बड़ा है उतना बड़ा है, पर नहीं यार ये बहुत बड़ा है। बट यही पागलबंदी कर दी, फिर कह रही थी यार देख ऐसा लग रहा है ना कि 2 आदमी खड़े हैं, बिकॉज यार कुतुब मीनार में तो हम एंट्री ले सकते, बट कुतुब मीनार जो है ना एग्जैक्ट उसके अंदर एंट्री नहीं ले सकते, बिकॉज वहाँ पे एंट्री लेना मना है, पहले होती थी एंट्री पर अब नहीं होती। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे अकॉर्डिंग जिसे जितना मैंने पढ़ा है हिस्ट्री की बुक्स में, तो मुझे तो यही लगता है यहाँ से नहर वगैरह बहती होगी या फिर पानी वगैरह के लिए होगा, बिकॉज ऐसे जगह जगह बनवाया जाता था, महलों के अंदर से भी होते हुए जाता था, जहाँ से यमुना का पानी ईजीली फ्लोट करता रहता था। और ये देख सकते हो ये कुतुब मीनार के पीछे का बैक साइड होने वाला है, इस तरह से पूरा पिलर पिलर से बन रहे हैं। अब मैं हिमांश जी को कहती, ये देखो आपको दिख रहा है जाली जाली सा, वो होने वाली है जेल, बट वो जेल नहीं थी। मैं आपको एकदम पास से जाके दिखाती हूँ कि वो जेल नहीं है, यहाँ पे देखो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी घूमते रहते हैं। और इस तरह से पूरा पीछे की तरफ मैदान है, और क्या कहते हैं बैक साइड होने वाला है कुतुब मीनार का, इधर पिलर्स वगैरह बन रहे हैं। और ये गाइस कोई भी जेल नहीं है, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने का रास्ता बन रखा है यहाँ से। मेरे को तो ये सब देखते ही ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या है यार, डर वर सा लग रहा था ये सब चीज़ें देख देख के ना, एकदम पिलर वगैरह से बने हुए काफ़ी। यहाँ पे बगल में ही क्या कहते हैं मकबरे वगैरह भी आपको दिख जाएंगे, क्योंकि कुतुब मीनार में मोस्टली सबके मकबरे ही हैं खिलजी वगैरह का। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये सारे इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी लिखे हुए हैं, जो कि मिट्टी के शिलालेख पे लिखे जाते थे। ये पीछे की साइड जाते हो तो आपको ये टॉम्ब जैसा दिखेगा पूरा, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, एकदम गुंबद के आकार में जो होता है, और इसमें चारों तरफ इस तरह से गेट से बने हुए थे ओपन, और यहाँ से पीछे बैक साइड पूरा ग्रीन पार्क की तरह गार्डन वगैरह बना रखा था, काफ़ी अच्छा ग्रीनरी वगैरह। ये बैक साइड का लुक है जहाँ पे इस तरह से ये वाला पूरा टॉम्ब आने वाला है, जहाँ पे मकबरा रखा हुआ था अंदर, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, और ये काफ़ी अच्छा था। देखो ये देखो पूरा मकबरा होने वाला है ये, और यहाँ पे बाहर लिखा भी रहता है किसका मकबरा है किसका नहीं है, क्योंकि बिकॉज साथ के साथ हिस्टोरिकल प्लेस पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, बिकॉज शिलालेख के थ्रू वहाँ पे बताया गया होता है किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक किसने शासन किया, और यहाँ पे किसका मकबरा है। ये कुतुब मीनार के बैक साइड में है पूरा, देखो सामने कुतुब मीनार दिख रहा है, उसके बैक साइड का पूरा व्यू होने वाला है इस तरह से, और बहुत बड़ा है कुतुब मीनार गाइस। अगर आप जाओ तो फुर्सत से इसमें घूमो घामो, बहुत अच्छा लगेगा आपको,
फोटो खिंचवाने का तो बहुत ही अच्छा प्लेस है, जानकारी के लिए भी, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती है। जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑफकोर्स जाना ही चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री से रिलेटेड यार काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है, जो आर्किटेक्ट वगैरह होता है यहाँ का, जो पिलर्स वगैरह हैं किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, क्या लिखा हुआ है उन पे, है ना, और जो पत्थर वगैरह हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। ये इस तरह से एकदम पिलर पिलर काफ़ी सारे खड़े हुए थे बहुत, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसे एग्जैक्ट कहेंगे क्या हम, और इसके सामने ही जस्ट एक दरवाजे जैसा डोर सा भी था, जो कि मैं अभी आपको इसकी इन पिलर से बाहर निकाल के दिखाऊंगी। ये देखो ये आयरन पिलर है, आयरन पिलर के जस्ट सामने ही है, यानी कि जस्ट पीछे ही है वो दरवाजे सा, और यहाँ पे देखो आयरन पिलर के बारे में लिखा हुआ है, हिंदी में भी इंस्क्रिप्शंस दिए गए होते हैं यहाँ पे और इंग्लिश में भी दिए गए होते हैं, है ना। तो और आयरन पिलर जैसे आपको सबको पता है लोह स्तंभ, जिसपे हमारी जंग कभी नहीं लगी आज तक उस टाइम का होते हुए भी, और ये बीच में देखो मकबरा बना हुआ था, और यहीं पे आयरन पिलर भी आपको दिख जाएगा, कुतुब मीनार भी दिख जाएगा बीच में से, ये देखो। और ये मैं हिमांशी को कह रही थी यार, पहले के टाइम पे जब अंग्रेज वगैरह ने रूल किया था ना, क्योंकि जब उन्होंने दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, जब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था उसके बाद हम उन्होंने हमारी काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था गाइज, उन्होंने कुछ चीज़ों को तोड़वा के अपनी जेल वगैरह बनवा ली थी, इसलिए यहाँ पे आपको ना बहुत सारी चीज़ें ना टूटी टूटी सी दिखेंगी, जो आपको पूरे ऐसे लग रहा है ना कंप्लीट, यहाँ तो इस तरह से ऐसे चार खुले खुले दरवाजे टाइप सा बना हुआ है, और ये देखो यहाँ पे एक नहर का सा पूरी लंबी सी वो जा रही है, जैसे कि यहाँ पे नहर ही बहती होगी, बीच में से नदी जाती होगी, और ये पुल है पुल की तरफ से पीछे का, ये देखो आपको टूटा टूटा सा दिख रहा है ना, तो इसको देख के ऐसा लग रहा था ना कि मतलब अगर ये पूरा कंप्लीट होता ना आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता ये, और हमारी मतलब कुतुब मीनार में चार चांद और लगा देता, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये पीछे देखो पीछे की तरफ भी ये मकबरे टाइप से जैसे ऊपर से बनना होता ना गुंबद सा टॉम्ब जैसा वो भी, और इसके अंदर हमने एंट्री ली तो यार मतलब इसके अंदर गए ना तो ये भी बहुत ठंडा ठंडा सा था, मैं भी लाइक मुझे तो डर लग रहा है यार, बात काफ़ी अंधेरा अंधेरा टाइप भी था ना, और रात को तो यहाँ पे कौन ही आता होगा, तो मैंने भी डर के इसके अंदर एंट्री ले ही ली, मतलब मैंने कहा घुस जाते यार देख लेते हैं ना क्या है क्या नहीं है, तो बहुत ही ठंडी ठंडी दीवारें थी इसकी भी। तो उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले, और काफ़ी अच्छा है, लंबा चौड़ा है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए देखने के लिए। तो फाइनली गाइज मैं सच बताऊँ मुझे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे आकर यार पैसा बर्बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि 40 रुपये की टिकट में आपको और क्या ही चाहिए। ये देखो पीछे की तरफ से ये बैक का व्यू होने वाला है, और ये बीच में इस तरह से हर जगह आपको ये मिल जाएंगे ईंट पत्थर के, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके, और यहाँ हर चारों तरफ इस सामने भी फ्रंट में भी बैक में भी इस तरह से चार दरवाजे टाइप से बने होते हैं, जो कि खुले खुले से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये पत्थर वगैरह काफ़ी जगह से यार टूटा फूटा है, क्योंकि बहुत ही पुराने टाइम के हैं ये हिस्टोरिकल प्लेस, तो बहुत अच्छा था वैसे तो। सो फाइनली गाइज मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, ये पार्ट 2 था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।